बड़ी अगर आप सबील कह गए शुक्र गुजार डी सी सोब सेहत अस तर बीमार इंसान बड़ मशहूर कश्मीर पानी पिछुई गल पिछु पानी पानी इतना ओका फीस भी भर दें हर एक चीज कर दें मगर आप दिन या फिर कनेक्शन कटो या फिर पानी दे और की कर सकते हैं और बड़ी मुश्किल हो गई है दो महीने हो गए पानी नहीं आता बीच बीच में किसी वक्त आता है एक दिन बा वो भी कम कम बिल्कुल कम और पानी नहीं आता बस पानी लाएंगे नीचे आधा मिलो एक टाइम पानी लाएंगे दूसरे टाइम मत ला सकेंगे आज वो दिन नहीं है मीदा बेगम इस रोजा चीत कानली बाग शेर बाग क्या बस ये आब चन अस गए जुरेत आब अन कतरा कतरा इवान कुन दोई दुई त्रे दुई अस पे नाक पे ओड किलोमीटर दूर पे आब अन सी मांगे करू पूर अस गए आब बी क्या मुश्किल आज अत क्या जंग फुटान बन पे आब खल खल डी सी सोबस अपील करा मेहरबानी कर करू आप बनबस अस तरसान आब ख आज मतलब गर्मी आब जरूरत आब क्या मसल फजी बेगम मे ना अच्छा सख्ती आब अच्छा दूर नाग अच्छा बालकिन बालकिन तथा घर बराबरी कहें गए आज जुरेत आब आस यो वन नल वाले आब क्या करो अ पत आब कम ये हप आब कम अस क्या त्रावि अस आब आ टोटल कहें गा मोटर दिखे गा जनरेटर दिखे मगर आब हिसाब तो अमे अल क्या हेको वन ये आब तो नल तो आब ये तो क्या करो नल पे सर नल आब शानी है पानी नहीं आता आएगा पाँच दस मिनट आएगा बस फिर चला जाएगा कोई टाइम टेबल नहीं है पानी का एक बाल्टी दो बाल्टी में इंसान नहीं भर सकता मुश्किल है पानी की ऊपर से गर्मी है ये देखो क्या हालत है देखो सब जगह जाके देखो कोई देखता नहीं है कुछ नहीं है पानी की परेशानी और क्या अपील है डी सी साहब से यही अपील है हमारा भी कुछ करो पी एच ई वालों से भी अपील है देखो आके नज़र लगाओ जंग साहब को भी बोलते हैं करो कुछ पानी की परेशानी और क्या है पानी हमें अच्छी तरह से नहीं आता है हमने एक्जन साहब को भी और सुपरवाइजर साहब को भी हमने बोला अर्ज की तो उसके एक्शन कुछ नहीं हुआ तो लेकिन हमें बहुत सख्ती होती है वहाँ चश्मा है हमें लेकिन हमें चश्मे से नहीं ला सकते हैं इतना पूरा मोहल्ला बड़ा मोहल्ला है वो उसी चश्मे पर है तो आधे इस मोहल्ले को आता है पानी अब हमें नहीं आता बस डी सी साहब से अपील करते हैं कि हमारे हमें पानी आना चाहिए पानी की सख्ती है परेशानी है हमें गर्मी है आज गर्मी में बहुत मुश्किल होती है हमें एक्जन साहब को भी बोलते हैं हम एक्जन साहब को भी सबों को बोलते हैं कोई जल भी नहीं है कोई नल भी नहीं है वैसे नहीं, है।, है पानी नहीं है तो क्या करेंगे नल को क्या करेंगे जब पानी नहीं है जैसे कि आपको पता है शेरबाग का एरिया मेरे टाउन पॉपुलेशन में आता है और बारामूला टाउन जैसे कि बहुत ही पुराना टाउन है और हमारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट आज़ादगंज है और जो इनकी पावर वाटर सप्लाई है वो हमारे एक एसआर 8 गैलन एसआर से आती है क्योंकि एक तो ये टेल एंड पे है और वाटर डिफिसिट चल रहा है प्लस डिमांड भी बहुत ज़्यादा है लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं कि जो हम काफ़ी मिसयूज़ कर भी कर चुके हैं अब ये है कि मैं पर्सनली जाके उस एरिया में देखूँगा कैसे रेगुलेशन हो सकती है बट यही है कि हमारा एक अमृत में DPR बना है 6 करोड़ रुपए का जिसमें हमारा वाटर सिनेरियो टाउन का इम्प्रूव हो जाएगा और लोगों को थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी वो DPR अभी UT लेवल कमेटी में लगभग अप्रूव हो चुका है आज भी उसकी आज हमारी 5 बजे मीटिंग है चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग ले रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है जल्द से जल्द उसका मुताला भी हो जाएगा और उसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा अगर ऐसा है इनका कि पानी का कोई इशू है मैं अपनी टीम को देख के वहाँ थोड़ा सा रेगुलेट करके देख लेते हैं इनको कैसे हम मदद कर सकते हैं
इंशाल्लाह मैं आज ही टीम को रवाना करता हूँ, इनफैक्ट अभी रवाना कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या है, कैसे उनका इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। बट यही लोगों से अपील है कि पानी का कम से कम यूज़ करें और पानी को अब्यूज़ ना करें, जैसे किचन गार्ड्स में यूज़ कर रहे हैं, जैसे गाड़ियाँ धोने में यूज़ कर रहे हैं, उसको बिल्कुल बंद करें, नहीं तो हम चालान के लिए भी जा रहे हैं प्लस पेनल्टी भी लगा रहे हैं। हमारे पास पानी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पानी है, बट लोग बहुत ज़्यादा इसको अब्यूज़ कर रहे हैं, अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, नल के खुले रख रहे हैं, किसी को ओवरफ्लो चल रहा होता है, कोई गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, मतलब कोई भी अपने दिमाग से पानी यूज़ नहीं कर रहा है। ऑलरेडी हमने स्क्वाड बनाया हुआ है, जहाँ जहाँ हमारी जैसे कानलीबाग आ गया, जहाँ कानिसपुरा आ गया या पटन के कुछ इलाके आ गए, हमारा टीम जाता है बाज़ाबता उनको जब्त कर लेता है, ये प्रोसेस चालू है, और जहाँ से भी ऐसी कोई हमें रिपोर्ट मिलता है तो हम इमीडिएटली टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं।